सिवनी मालवा नगर में मीट की एक दर्जन से अधिक दुकानें सड़क किनारे बस स्टैंड और चौक चौराहों पर खुली हैं। स्थानीय दुकानदार बा रहवासी कई बार SDM बा नगर पालिका CMO को सड़क किनारे से मीट की दुकानों को हटवाने की मांग कर चुके हैं, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में नगर पालिका सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चौक चौराहों पर संचालित हो रही मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन ने बताया कि कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी कर खुलेआम सड़कों पर मांस बेचा जा रहा है। इन दुकानों पर मांस को बिना ढके रखे जाता है, जिन पर मक्खियां बिनबिनाती रहती हैं। साफ सफाई के अभाव में तेज दुर्गंध निकलती है। लोगों का कहना है कि दुकानदार मछली व मांस के कचरे को सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे निकलने वाली बदबू से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने इन सब पर अविलंब कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मीट की दुकानों को हटाने के लिए कई बार शांति समिति की बैठक में भी मांग उठाई गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि नगर पालिका के द्वारा मटन मार्केट बना कर दिया गया है, परंतु इसके बाद भी जिसका जहां मन होता है वह मांस मटन की दुकान खोल कर बैठ जा रहा है। अब नगर पालिका राजस्व के साथ पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकान हटाने के बाद भी पुनः दुकान लगाई जाती है तो जुर्माने सहित FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जगह जगह मटन मछली का बिकना, आज अधिक मास का समय चल रहा है पूरे देश में। ये कई वर्षों के बाद अधिक मास सावन के महीने में आया है, जहाँ एक तरफ मतलब धर्म प्रेमी इसको एक उत्सव के रूप में और अपने उपास तिरास के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हमारे शहर में कई 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 जगह मटन की दुकान बहुत सी जगह बिक रही है। मैंने कई बार इसके संबंध में प्रयास किया, लेकिन आज SDOP मैडम ने इसकी सार्थक पहल की है।